नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर स्थित कार्यालय में जनता दरबार लगाया। आयोजित जनता दरबार में 300 से ज्यादा फरियादियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याएं बताई। एक एक कर फरियादियों को मुख्यमंत्री से मिलवाया गया। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। मुख्यमंत्री ने इन समस्याओं पर पास खड़े अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। सांसद सोनिया गांधी 12 जून को अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर सकती हैं। उनके दौरे को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोनिया ने पांचवी बार रायबरेली संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीता है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक 12 जून को यहां आकर जिले की जनता और कांग्रेसियों के प्रति चुनाव जीतने पर आभार जताएंगे। हालांकि अभी तक लिखित में सोनिया गांधी का कोई कार्यक्रम नहीं आया। केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे कैबिनेट मंत्री बनने के बाद कार्यकर्ताओं द्वारा जोर शोर से स्वागत किया गया। जिला मुख्यालय के अरविंद वाटिका में स्वागत कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चंदौली को अपनी सांसदी के दूसरी पारी में विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। बंगाल में जारी हिंसा से भाजपा कार्यकर्ता बंगाल में ममता के क्रूर शासन से जूझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के उन संघर्षशील कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रहेगी जिन्हें ममता के तानाशाही रवैये से गुजरना पड़ा। ममता बनर्जी भगवान के नाम और भाजपा दोनों से डर गई। इटावा में एक दर्दनाक हादसा हुआ। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर बरलई रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े अवैध एक्सप्रेस के 4 यात्री राजधानी की चपेट में आ गए। वहीं चपेट में आने से चारों की मौत हो गई। हादसे में रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। वहीं 6 से अधिक लोगों घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अवध एक्सप्रेस ट्रेन मुजफ्फरपुर से बांद्रा टर्मिनल जा रही थी। गर्मी के चक्कर में अवध एक्सप्रेस ट्रेन के कई यात्री प्लेटफॉर्म के उल्टी साइड में खड़े थे। तेज रफ्तार से आई राजधानी के चपेट में दूसरी साइड में खड़े यात्री आ गए जिसके चलते उनकी मौत हो गई। मथुरा एक्सप्रेस वे में फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला जहां तेज रफ्तार में कार ने 7 लोगों को रौंद दिया है। वहीं हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हैं जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। बता दें कि पुलिस ने कार में 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना सुरील क्षेत्र में माइल स्टोन 84 पर हुआ है पूरा हादसा। अलीगढ़ के ट्विंकल हमीरपुर की मासूम बच्ची और अब 16 वर्षीय नाबालिग को दरिंदगी का शिकार बनाया गया। दरअसल तीसरी बार सामने आई निंदा करने वाली शर्मनाक घटना कानपुर की है जहां के नौबस्ता थाना क्षेत्र स्थित मछरिया के मुस्लिम समाज का मदरसा बना हुआ जहां मदरसे में बतौर मौलवी मोहम्मद जावेद परिसर में आने वाली 16 वर्षीय मासूम की अपनी हवस का शिकार बना डाला जिसकी सूचना फैलते इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में तेजी दिखाई और कुछ ही देर में मौलवी मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित नाबालिग को मेडिकल के लिए भेजकर कार्रवाई बढ़ाने का काम किया जा रहा है। वहीं नाबालिग पीड़ित ने मेडिकल चेकअप के दौरान बताया है कि मौलाना ने उससे अश्लीलता की थी। अब अलीगढ़ के मामले में आरोपियों को फांसी की मांग को लेकर जहां आम आदमी तो गुस्से में ही है तो वहीं अब कानपुर देहात जिले के मंगलपुर थाने पुलिस भी इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आई। थाना अध्यक्ष तुलसीराम पांडे के संग कई बच्चों ने पूरे कस्बे में घूम घूम कर कैंडल मार्च जुलूस निकाला है। पूरे देश में आक्रोश फैलता ही जा रहा है। शहर से लेकर गाँव गाँव तक लोग ट्विंकल को न्याय दिलाने के लिए मांग कर रहे हैं। हमीरपुर जिले में 11 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया और जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार है। इस खुलासे के बाद पुलिस को बड़ी राहत मिली है क्योंकि इस घटना के खुलासे को लेकर जगह जगह लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे थे। इस वारदात का खुलासा चित्रकूट मंडल के DIG ने किया। मेरठ के सदर थाना क्षेत्र की महिला की गर्दन काट कर हत्या करने का मामला सामने आया। बता दें कि कंकरखेड़ा के रहने वाली युवती जो कि पंजाब समाज की युवक के साथ प्रेम प्रसंग के चलते घर से चली गई थी। जाने के बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई किया था जिसके चलते कोर्ट ने नाबालिग होते हुए युवती को कुछ समय दिया था। दोनों एक साथ घर में रह रहे थे तभी युवती कमरे में मृत अवस्था में मिली जिससे परिजनों की खोज पक्का हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी मौके की जांच पड़ताल शुरू कर दी।
मेरठ में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के पर 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 7 आरोपी शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में फॉर्मेंसिक और इंजीनियरिंग के छात्र हैं और सभी मेरठ सरदना व कथौली क्षेत्र के निवासी हैं। एसएसपी नितिन तिवारी ने बताया है कि लुटेरे के यहां गिरोह मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में 2 पहिया व 4 पहिया वाहन की लूट करते थे। लूट के कुछ वाहनों को कबाड़ी के पास कटवा दिया जाता था। इसी के साथ बदमाशों का एक साथी आमिर अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी। बहराइच में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन तेज रफ्तार लोगों की मौत का कारण बन रहे। ताजा मामला बहराइच के देहात कोतवाली अंतर्गत बहराइच लखनऊ मार्ग मरोचा का है, जहां बारातियों से भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चीख पुकार मची। पिकअप में लगभग 25 से अधिक बाराती सवार थे। अचानक तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 30 लोग घायल हो गए और 7 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही। सीतापुर में पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई, जहां पुलिस ने बुजुर्ग महिला और बच्चों समेत रिश्तेदारों को जमकर पीटा है। बता दें, खेत के विवाद में जांच करने गए पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को पीटा है। वहीं पीड़ित किसानों ने दूसरे पक्ष से पैसा लेकर पिटाई करने का आरोप लगाया। पुलिस ने महिला बच्चे समेत कई लोगों को जमकर पीटा। इतना ही नहीं, पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 किसानों को भी बंद कर दिया है। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। थाना इमलिया सुल्तानपुर अम्बोहा गांव का पूरा मामला। संबल से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बता दें, एक युवक को कुछ लोग घर से उठाकर ले गए, घर से बाहर ले गए और 4 आरोपियों ने युवक को लाठी डंडे से बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन भी पहुंच गए। आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दिन पहले शराब पीने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बांदा जनपद में सड़क हादसों में बढ़ोतरी को देखते हुए बांदा पुलिस ने शहर में चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों का अनुपालन करने हेतु हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रति जागरूक किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार शहर कोतवाल महिला एसओ सहित शहर की कई चौकियों प्रभारियों की टीम ने अभियान चलाया और लोगों को हेलमेट व सीट बेल्ट के लिए जागरूक करते हुए इसके फायदे बताए। रामपुर जिला कारागार में बंद एक कैदी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद कैदी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई। कैदी एनडीपीएस में जिला कारागार में सजा काट रहा था। बहरहाल पुलिस ने कैदी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में जिला कारागार के जेल अधीक्षक ने बताया कि मुरादाबाद निवासी कल्लू 3 जून से जिला कारागार में एनडीपीएस एक्ट में सजा काट रहा था और रविवार शाम अचानक सीने में दर्द की शिकायत कैदी ने बताई। जिला अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया, जहां कैदी की मौत हो गई। बाराबंकी के रेलवे स्टेशन पर रेलवे की लापरवाही सामने आई। बता दें कि लड़की और उसके परिजन संत कबीर नगर के खलीलाबाद में मुंबई के लिए बांद्रा एक्सप्रेस से निकले थे और रास्ते में लड़की की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। परिजन ने घटना की सूचना रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को दी है, तो स्टेशन अधिकारियों ने एम्बुलेंस तो मंगवा दी, लेकिन प्लेटफॉर्म में शव को एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए स्ट्रक्चर तक नहीं दिया, जिसके बाद परिजन खुद ही सबको गोद में उठाकर एम्बुलेंस तक ले गए। पीलीभीत के बिलसड़ा इलाके में कब्र से अचानक किशोरी का शव गायब हो गया। किशोरी के पिता की माने तो लड़की काफी दिनों से बीमार चल रही थी। डॉक्टरों ने लड़की को क्षय रोग की शिकायत बताई थी, जिसके बाद 6 जून को लड़की की मौत हो गई थी। मौत के बाद लड़की के शव को दफना दिया गया था, जिसके बाद लड़की का शव रहस्यमय ढंग से शव गायब हो गया। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस अधिकारी ने बताया कि सर्विलांस और डॉग स्क्वाड टीम की मदद ली जा रही है, जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। खबर फरुखाबाद से है, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों ने सैनिक के घर लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और अपराधी घटना को अंजाम देते रहे। एक बार फिर बदमाशों ने फौजी के घर में डकैती ने मारपीट कर डकैती की है। जानकारी के मिलने के बाद 4 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के आपसी विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी, तभी स्थानीय महिलाओं ने महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। वहीं इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि 4 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने ले आई है। वहीं महिलाओं के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ललितपुर के ताल बेहट में पीछे मां जन्म प्रमाण पत्र
बनवाने के नाम पर पैसा वसूलने के वीडियो वायरल हो रहा है। जांच अभी समाप्त नहीं हुई है कि सीएचसी के प्रसूता के एक स्टाफ नर्स द्वारा पैसा लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। मच गया है, स्टाफ नर्स के पैराकार इस मामले को रफा दफा कराने में पूरी तरह से लगे हुए। आगरा के फतेहपुर सीकरी मोहल्ले में एक सांप ने दो बहनों को काट लिया है। सांप के काटने से एक बच्ची की मौत हो गई है, वहीं दूसरी बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि दोनों बहनें कमरे में सोई हुई थी, जब अचानक पास के जंगलों में एक सांप घर के अंदर घुस गया और सोई हुई बच्चियों को दस या आनन-फानन में दोनों बहनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने छोटी बहन को मृत घोषित कर दिया और बड़ी बहन को तत्परता से इजाद किया, जिससे इसकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ है। वहीं इस घटना से परिवार में शोक की लहर है। भीषण गर्मी के कहर ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया, जिससे गरीब किसानों और पशु पक्षियों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रशासन से भी कई बार गुहार लगाने के बाद प्रशासन ने कई सूद नहीं लिए, जिसके चलते सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र में गरीब किसानों ने भगवान इंद्रदेव को मनाने के लिए दो मेढकों की शादी करवाई है। मेढकों की शादी पूरे बैंड बाजे के साथ करवाई गई है, जहां कई गांव के लोग बराती बने हैं। बता दें कि चिलचिलाती धूप और बढ़ती गर्मी से किसान पानी के लिए दर दर भटकते मजबूर हो गए और इलाके के चलते ग्रामीण इंद्र देवता पर अपना अटूट विश्वास दिखा रहे हैं। वही उनको प्रश्न करने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटे हुए। खबर हरदोई जिले से, जहाँ कछौना थाना क्षेत्र के शमशेर नगर में एक युवक का शव संदिग्ध गांव के किनारे पड़ा मिला। वहीं शव की सूचना ग्रामीणों को लगते ही भीड़ लग गई। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया। आपको बता दें, मृतक के परिजनों को जानकारी लगते ही घर में कोहराम मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर कोतवाली पुलिस भी घटना स्थल पर जा पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। फतेहपुर जिले में दो गुटों में जमकर बवाल हो गया, वहीं दोनों तरफ से जमकर गोलियां चलाई। गोली लगने से दो युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बताया जा रहा है कि स्मैक के धंधे को लेकर दोनों पक्षों में बवाल हुआ है। फिलहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। हरदोई के शाहबाद कोतवाली इलाके में एक महिला के घर से एक अधेड़ का जला शव मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार मृतक की पत्नी का 15 साल पहले देहांत हो गया था और मृतक का गांव के एक विधवा महिला के घर आना जाना था। घटना के बाद मृतक अपने घर से खेत जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन कुछ समय बाद की विधवा महिला ने मृतक के घर पर फोन कर घटना की सूचना दी, जिसके बाद मामले की जानकारी परिजनों को हुई और विधवा महिला घटना के बाद से फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई। अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली में तैनात एक दबंग दरोगा मीडियाकर्मी के साथ बदसलूकी की और दबंग दरोगा ने मीडियाकर्मी से मारपीट करते हुए कैमरा तोड़ दिया, जिससे आक्रोशित मीडियाकर्मी ने एसएसपी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने न्याय की गुहार लगाई और दबंग दरोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। वहीं दबंग दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया। जौनपुर के मीरगंज थाना क्षेत्र के चचेरे भाई ने छोटे भाई का गला काट कर को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की माने तो पुराने रंजिश के चलते शराब के नशे में एक दिन पहले चचेरे भाई ने अपने छोटे भाई को धमकी दी थी और सुबह उसका शव खेत में मिला, जिसके बाद परिजनों ने चचेरे भाई के खिलाफ हत्या करने का आरोप लगाया। मृतक के परिजनों की तहरीर पर आरोपी चचेरे भाई को हिरासत में ले लिया गया। साथ ही आरोपी को निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को पुलिस ने बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। देवबंद कोतवाली में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। वहीं पुलिस ने के आनन फानन में कई लोगों को हिरासत में ले लिया, जबकि झगड़े का लाइव वीडियो वायरल होकर जिनमें जमकर पथराव हो रहा है, जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं। बरेली में भाई भाई के रिश्ते को कलंकित कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां जमीन और पैसे के लालच ने एक भाई को अपने भाई की हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल 9 बीघा जमीन और 4 लाख रुपए के लालच में सगे भाई ने सुपारी किलरों को पैसे देकर अपने भाई की हत्या करवा दी। वहीं फिर आरोपी भाई ने खुद थाने पहुंचकर मृतक के भाई अपनी हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं एसपी ने बताया कि कातिल भाई और दो सुपारी किलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई। बेरहम पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने आया जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े। रामपुर में
गौकशी के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस ने युवक को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसके गुप्तांग से खून बहने लगा। वहीं परिजनों का आरोप है कि बिना किसी आरोप के पुलिस ने युवक को घर से उठाया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। फिलहाल युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जेल अधीक्षक मुताबिक आरोपी को जेल में लाया गया था और चिकित्सक जांच के दौरान उसके गंभीर चोटें पाई गई हैं, जिसके चलते उसके इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जौनपुर के सहगंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में ले आई, जहां 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जमीन को लेकर पड़ोसियों से विवाद चल रहा था और आए दिन दबंग पड़ोसी गोलबंद होकर घर में धमकी दिया करते थे, जिसकी शिकायत घर के सदस्यों ने कई बार पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने कोई सुध नहीं ली। फिलहाल पुलिस ने एक पक्ष के 4 लोगों को हिरासत में लिया और मामले की जांच में जुट गई। श्रावस्ती जिले के इकौना थाना क्षेत्र के जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चढ़ने लगी। इसी खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची इकौना पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों की हिरासत में लेकर घायलों को इलाज में अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं घटना को देखते हुए पुलिस फोर्स भी मौके पर तैनात हो गई। शाहगंज बीते दिनों रोशर पोटी स्थित FCI गोदाम में 300 सरकारी गेहूं की बोरी से भरा ट्रक 5 अज्ञात बदमाशों ने लूटकर फरार हो गए और ट्रक का चालक बांधकर रोड पर डाल दिया गया था। वहीं ट्रक मालिक ने ट्रक चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। SSP डॉक्टर चनप्पा ने लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए जल्द खुलासा करने के आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं।